अस्सलाम वालेकुम डियर पीपल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? आज जो है मेरी ज़िंदगी का ये एक पहला ब्लॉग है और देखते हैं कि आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं। होप आपको पसंद आएगा। अभी जो है हम प्लानिंग कर रहे हैं भी घूमने, तो मेरा दोस्त जो है मेरा वेट कर रहा है बीआरटी स्टॉप पे, तो हम जो है पहले उसी की तरफ चलेंगे, फिर जो है डिसाइड कर लेंगे कि कहाँ जाना है। मुझे ख़ुद भी पता नहीं, ये उनसे पूछ लेते हैं कि किधर जाना है किधर नहीं जाना, वो आपको इसके बारे में बताएंगे। तो स्टे विद अस। तो हम बीआरटी स्टॉप पे मौजूद हैं, बीआरटी के लिए वेट कर रहे हैं। अभी जो है संडे, तो बसेस जो है काफ़ी लेट आ रही है, तो खैर वेट कर लेते, कोई बात नहीं। बीआरटी स्टॉप पे मौजूद हैं और बस के लिए वेट कर रहे हैं। हालांकि आज संडे भी है तो बस स्टॉप भी लेट आएंगे, एक्सप्रेस बस में नहीं जाना, तो इंशाल्लाह आ जाइए, थोड़ा वेट कर लेते हैं। बीआरटी के मेन स्टॉप है, तो जो हम जो है दोस्त की तरफ जा रहे हैं वो बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है। फाइनली हम खैबर बाज़ार पहुंच गए हैं, जो कि हम वडूद के साथ मौजूद हैं। वडूद आपको बताएगा कि ये हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं, तो इनसे कुछ सुनते हैं। तो वडूद कहाँ लेकर जा रहे हैं आप हमें? बेसिकली हम जाने कि सफानी बाज़ार। हाँ हाँ, ये बाज़ार कठिन ज़माने के बाज़ारों में एक बाज़ार ऐसा ही, यहाँ पर हर किस्म की अशिया मैसर हो। अच्छा, किसी के साथ ये गाड़ियों की है ना रिपेयरिंग और काम किया जाता है। अच्छा, इन शॉर्ट पहले जो है हम वडूद भाई के लिए जो है एक अच्छा सा जैकेट खरीद लेते हैं, फिर इसके बाद जो है कुछ का पी के जो है आपके साथ व्लॉगिंग में शेयर कर लेते हैं। स्टे विद अस। पहले जो है नाश्ता कर लेते हैं, हम जो है घर से जा रहे थे तो निकल रहे थे तो नाश्ता हमने नहीं किया, लग रहा है इसको जो है असल में ये बीमार हो चुका है थोड़ा, तो इसी वजह से इसका मूड थोड़ा ऑफ है। दे रहे इसके फेस से मास्क खोलो, इसके फेस से जो है आपको पता चल रहा है।
गाइस अब हमने वदूद भाई के लिए जैकेट लेनी है, तो जैकेट लेने के लिए जहांगीर पुरा से कोई अच्छी जगह हो ही नहीं सकती जो कि किस्सा ख्वानी बाज़ार में है। तो आइए वदूद भाई के लिए एक जैकेट ख़रीद लेते हैं। कि वदूद भाई का प्लान चेंज हो गया, उनका इरादा लेदर जैकेट खरीदने का है, तो लेदर जैकेट के लिए जाते हैं अफगान कॉलोनी। सो फाइनली हम किस्सा ख्वानी से आते आते या अफगान कॉलोनी पहुँच गए। वहाँ पे दाऊद भाई को जो है जो जैकेट अच्छी नहीं लगी, तो अफगान कॉलोनी जो है ये लेदर कोट यहाँ पे मिल जाते हैं, तो उसने जो है लेदर कोट चूज़ किया जो कि आप इसको देख सकते हैं, बड़ा जो है खूबसूरत दिखाई दे रहा है। दाऊद भाई मुबारक हो दाऊद भाई। और दूसरी बात जो उसने कहा कि यार वॉलेट भी नहीं है मेरे पास, तो मैंने उसके लिए जो है वॉलेट भी ख़रीद लिया। ठीक है, इस कोट की प्राइस अगर मैं बता दूं तो तकरीबन ये हमें मिल गई 5000 में, जो कि बहुत ही एक मुनासिब प्राइस है इस लेदर कोट की। तो चलो आगे देखते हैं कि आगे जो है क्या क्या सामने आता है हमारे। ठीक है, फाइनली शॉपिंग हमारी ख़त्म हो गई। अब हम अपने स्टॉप से जा रहे हैं हैदराबाद के से, जहाँ पे हमारी आज का दिन तो यार बहुत ही ज़बरदस्त रहा, तक भी बहुत ज़्यादा गए लेकिन खैर एंजॉय भी बहुत ज़्यादा कर दिया। तो ये ब्लॉग आज का ब्लॉग जो है शाम को पहुँचता है, तो इंशाल्लाह ये ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।